जीते जी मार डाला चिराग। I hate you पापा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे पापा हो ही नहीं सकते। You are a molester। Sorry, I'm sorry। Sorry जानू बेटा। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे घिना दे मुझे ये सोच करके तुम मेरे पति हो। चिराग क्या हुआ? कहाँ खो गए? पापा आओ ना, कब से वेट कर रहे हैं। चिराग क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा स्ट्रेस। एक के बाद एक सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्कप्लेस यानी कि ऑफिस स्पेस में हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। यही वक्त है जब महिलाओं को सामने आना होगा। यौन उत्पीड़न का एक और मामला आज सुर्खियों में है। चिराग सहनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी PXR फाइनेंशियल के टॉप एग्जीक्यूटिव है, चिराग सहनी पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध मानसिक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण, खुद से हुई भूल का नतीजा। अपराध बोध एक डर भी है कि गलती पकड़ी जाएगी और उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अपराध हमेशा प्रायश्चित की भावना को जन्म दे। कभी कभी यह डर एक इंसान को अपनी गलतियों को गलत तरीके से छिपाने के लिए किसी भी हद तक ले जाता है। मी टू मूवमेंट ने कई मर्दों के पुराने पापों को कुरेद कर बाहर निकाल दिया था और कई इस डर में जी रहे थे कि न जाने कब उनका नाम भी सामने आ जाए। ये गाड़ी की चाबी मैडम, साहब ने कहा आपको दे देने को। चाबी क्यों? साहब कहाँ है? साहब कहीं बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद टैक्सी लेके घर आ जाएंगे और हम घर जाके चाबी दे दें। लेकिन साहब कहाँ गए? उनको हमने कांदीवली ड्रॉप किया चारकोप के पास। कल्पेश चाबी घर पे दे देना, मैं अपने आप पहुंचाऊंगा। साहब वो कल से हम छुट्टी पर हैं, वो आपसे कही थे ना 4 दिन की छुट्टी के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ तो बताएगा ना साहब ने कहाँ जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बस चाबी देने को कहा है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ। अच्छा हाँ जी, 4 दिन की छुट्टी पर हो ना। हाँ टाइम से ज्वाइन कर लेना, 4 का 5 दिन मत करना। वो हम टाइम से लौटाएंगे मैडम। कल्पना चिराग मिसिंग है। क्या मतलब मिसिंग है? मिसिंग मतलब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, उनका फोन भी बंद है, उनकी वाइफ का कॉल आया था वो पुलिस स्टेशन जा रही है। ये तुम क्या कह रहे हो नीलम, ऐसे कैसे गायब हो गया और क्यों? The number you have called is currently switched off. चली जी, आपके ड्राइवर कल्पेश का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर कल्पेश कल आया था दोपहर में चाबी देने, उसने बताया कि चिराग ने उससे ये कहा था कि वो टैक्सी करके घर वापस आ जाएंगे। लेकिन सर कल शाम से हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, उनका फोन बंद आ रहा है। पापा अब तक घर नहीं आए, उनके ऑफिस की कलिंग्स कह रहे कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो आखिर पापा गए कहाँ? चिराग के घर ना आने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं गए हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिराग के घर वापस ना आने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। सर कल्पेश का अचानक घर आकर चाबी दे देना, सर मुझे बहुत अजीब लगा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि चिराग का ये कहलवा देना कि वो टैक्सी से घर आ जाएंगे और ड्राइवर के हाथ से चाबी भिजवा देना, सर ये सब बहुत अजीब है। सर पापा को लेकर हम बहुत डरे हुए, प्लीज कुछ कीजिए। ड्राइवर कल्पेश का एड्रेस है आपके पास? कहाँ रहता है वो? जी सर है मेरे पास। चिराग सहनी के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या वो खुद कहीं चला गया था या उसके साथ कोई अनहोनी हुई थी? कल्पेश सिंह को जानते हो? यहीं रहता है। हाँ जानता हूँ, ड्राइवर है। लेकिन क्या हुआ मैडम? कहाँ गया है? कल रात को ही निकला, शायद गांव गया है। कल्पेश सिंह का गांव कहाँ है? भोजपुर का है वो। लेकिन क्या हुआ मैडम, आप कल्पेश को ढूंढ रही हैं? जब वो जा रहा था तो कुछ घबराया हुआ था, हड़बड़ी में था। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा।
का ये कमरा किराए का है क्या? जी परांच में भाव का है। परांच में भाव का कोई नंबर या एड्रेस है तो दो। हो सकता है चिराग ऑफिस की किसी मीटिंग के लिए निकले हो। नहीं शालिनी, मुझे तो अभी अभी नीलम ने बताया। हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर चिराग जा कहां रहा था। इनफैक्ट आज सुबह मेरी और उसकी मीटिंग भी थी। फिर पापा किससे मिलने जा सकते? जहां तक कि मुझे याद है मॉर्निंग में 3-4 मीटिंग शेड्यूल थी, दोपहर में कुछ नहीं था। चिराग कहाँ चले गए मैंने नोटिस ही नहीं किया सर। क्या ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से चिराग गायब हो गया हो या कहीं चला गया हो? सचमुच कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। हाँ लेकिन कुछ बात है, चिराग कुछ दिनों से बड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। अजीब बिहेव कर रहे थे मतलब क्या अजीब? लगभग 3 हफ्ते पहले उन्होंने अचानक पूछा। पुलिस आ गई? ऐसा क्यों पूछा चिराग ने? पता नहीं सर, मुझे भी अजीब लगा था। जी हाँ सर, चिराग पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब थे। क्यों, किसलिए डिस्टर्ब थे? मुझे नहीं पता सर, मुझे लगा वर्क स्ट्रेस होगा इसलिए मैंने कुछ पूछना भी जरूरी नहीं समझा। चिराग की कोवर्कर नीलम ने हमें बताया कि चिराग ने उसे पूछा था पुलिस आ गई है क्या, क्यों पूछा होगा? कोई थ्रेट, कोई खतरा? मुझे कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने कभी कुछ जिक्र नहीं किया और अगर ऐसा कुछ था भी तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। आपका ड्राइवर अपने गाँव भोजपुर गया हुआ है, उसके लैंडलॉर्ड से हमने उसका एड्रेस ले लिया है और भोजपुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन अगर इस केस में कल्पेश का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो अपने घर तो नहीं गया होगा। शालिनी जी, चिराग की गाड़ी की चाबी मिल सकती है, शायद हमें ऐसा कुछ मिले जो चिराग को ढूंढने में हमारी मदद करे। वैसे कल्पेश के चाबी देने के बाद आपने गाड़ी चेक की थी? नहीं सर। गाड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा करे। सर मेरे पति कहाँ है? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना बताए कहीं चले गए हो। क्या बता सकती हैं चारकोप में वो कौन सी जगह है जहाँ आपके ड्राइवर ने ड्रॉप किया था उन्हें? नहीं सर, ड्राइवर ने सिर्फ कांदीवली चारकोप बताया था, किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं की। The number you have called is currently switched off. मम्मा, पापा का फोन अभी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई होप पापा सेफ हो। जानवी मुझे कल से अजीब लग रहा था, मैंने कल्पेश से और कुछ पूछा क्यों नहीं? कल्पेश सिंह। हाँ साहब, हम ही कल्पेश हैं। तेरा बॉस चिराग सानी, क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ है वो? क्या मतलब क्या किया साहब? हम अपने मालिक के साथ क्या करेंगे? साहब हम छुट्टी पर थे इसलिए फोन बंद था, घर गए थे। माँ पिताजी के साथ कल शहर जाना था लड़की देखने, इसलिए अपने साहब से 4 दिन की छुट्टी ली थी। तो कहाँ है चिराग सानी? 26 को तो उन्हें छोड़ने गया था, तब से वो गायब है। उन्हें ही कुछ किया होगा। चल बता कहाँ ठिकाने लगाए चिराग सानी को? ये आप क्या कह रहे हैं साहब, हम ठिकाने क्यों लगाएंगे साहब? साहब हम मामूली से ड्राइवर हैं, हमारे साहब ने हमें चारकोप ड्रॉप करने को कहा और हमने किया, और उसके बाद चाबी भी देकर आए घर पे मेम साहब, आप उनसे पूछ लीजिए। हमने उससे कड़ी पूछताछ की लेकिन वो कहीं भागा नहीं था, वो अपने घर पर ही था भोजपुर। मैम ये कल्पेश क्या कह रहा है? मेरे हस्बैंड चारकोप में कहाँ गए थे? वही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं शालिनी, हमने चिराग के फोन रिकॉर्ड्स मंगाए हैं। साहब हम ले चलते हैं आपको जहाँ हमने चिराग साहब को ड्रॉप किया, हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? पिछले 2 साल से उन्हीं के संग काम कर रहे हैं। तो कहाँ है चिराग सानी? उन्हें चिराग को ड्रॉप किया, उसके बाद वो कहाँ चला गया? मैं नहीं पता साहब, ऑफिस के नीचे खाना खा रहे थे, वहाँ जल्दी मायर कहा गाड़ी निकालो चारकोप नाका चलने, फिर पूरे रास्ते बहुत परेशान से दिखाई दे रहे थे और कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। तेरे साहब चिराग सानी परेशान क्यों थे? तू तो दिन भर उनके साथ रहता था ना? हाँ साहब रहता था, लेकिन ये हमें नहीं पता कि हमारे साहब कुछ दिनों से परेशान क्यों थे। और 2 हफ्ते पहले अचानक एक अजीब सा सवाल पूछा था उन्होंने हमसे। कल्पेश। जी साहब। अगर मुझे कुछ सेटल करना हो तो तू मेरे लिए कर सकता है क्या? क्या सेटल करना है साहब? है कुछ सेटलमेंट। कहो ना साहब, हम करेंगे जो कहेंगे आप। अरे वो छोड़। सेटलमेंट? कैसी सेटलमेंट सर? ये कल्पेश क्या कह रहा है? उसे सेटलमेंट के बारे में नहीं पता, उसने बताया कि चिराग बात करते करते ही बीच में रुक गया। सर पापा किसी मुसीबत में हैं, कहीं फंस गए होंगे। हमारे पापा ऑलरेडी किसी चीज में फंसे हुए थे, कोई मुसीबत या कोई डर,
जो उनके बिहेवियर से उनके ऑफिस स्टाफ को भी लग रहा था। सर, दो दिन हो गए पापा की कोई खबर नहीं, प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए। जानवी, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हमारी एक टीम कल्पेश के साथ उस जगह पर गई है जहाँ पर उसने चिराग को ड्रॉप किया। चिराग साहनी को जहाँ ड्राइवर कल्पेश ने उतारा था, उसी जगह पुलिस को उसके अगले पड़ाव का सुराग मिलने वाला था। हालांकि वो भी रहस्यों से भरा ही था, लेकिन उसके फोन रिकॉर्ड से ये जानकारी जरूर मिलने वाली थी कि चिराग साहनी को आखिर हर वक्त क्या डर सता रहा था। मोरे, ऐसा लग रहा है कि रिक्शा में से किसी ने चिराग को आवाज दी है। जी हाँ सर, चिराग ने तो रिक्शा नहीं रुकवाया। हाँ सर, किसी ने उसे आवाज ही दी है, कोई ऐसा जो शायद उसे जानता हो। चिराग, रिक्शा नंबर MS02H3 4X92, पता करो ये रिक्शा वाला फोन है, जल्दी। जानवी, आखिर तुम्हारे पापा करना क्या चाहते थे, कैसी सेटलमेंट? मामा, मुझे लगता है कल्पेश झूठ बोल रहा है, उसी ने कुछ किया है। लेकिन जानवी, इसमें साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पापा रिक्शे से कहीं जा रहे थे। पापा ऐसा क्या कर रहे थे, इतना अजीब सा बिहेव, किसी से कुछ कहा भी नहीं। हेलो, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंचन पाटिल बोल रही हूँ, अद्वैत नगर पुलिस थाने से। मैं जान सकती हूँ किससे बात कर रही हूँ? मैं एडवोकेट दीपिका शानबाग बोल रही हूँ, बताइए। हमें आपका नंबर चिराग साहनी के फोन रिकॉर्ड में से मिला है। आपके और चिराग की आखिरी बार बात 26 अक्टूबर को सुबह 11:45 पर हुई थी। हाँ, हुई होगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट और टाइम मुझे याद नहीं है। आप PXR फाइनेंशियल्स वाले चिराग साहनी की बात कर रही है ना? जी, और आप उन्हें अच्छी तरह से जानती थी? ऑफ कोर्स जानती हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं, और हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको मालूम है कि वो मिसिंग है? मिसिंग? ओह गॉड, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो तो हमें भी नहीं पता, उनकी तलाश जारी है। चिराग साहनी ने अपने ड्राइवर कल्पेश से किसी सेटलमेंट का जिक्र किया था, क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? जी नहीं, मैं किसी सेटलमेंट के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि चिराग काफी दिनों से बहुत परेशान था, कोई उसे बुरी तरह से हरास कर रहा था, और उस दिन मुझे यही पूछने के लिए उसने फोन किया था कि क्या मैं उसका केस लड़ सकती हूँ। कौन सा केस और कौन हरेस कर रहा था उसे? 12 अक्टूबर को चिराग मुझसे मिलने आया था मेरे ऑफिस, उसे किसी बात का डर था। दीपिका, मैं बहुत डर गया हूँ, हर रोज इतने नाम उछाले जा रहे हैं, बहुत घबराहट होती रहती है। मैं हर रोज न्यूज़पेपर चेक करता हूँ, सारा दिन सोशल मीडिया देखते रहता हूँ। मैं बहुत डर गया हूँ दीपिका, बहुत घबराहट होती रहती है, मुझे डर लगा रहता है कि ये सब में मेरा नाम भी उछाला जाएगा। चिराग, किससे डर है तुम्हें? कौन है जो तुम्हारा नाम उछालेगा? देखो चिराग, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गलती तो हुई है मुझसे, और कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। शालिनी और मेरी बेटी जानवी को पता चलेगा तो मुझसे नफरत करेगी। चिराग, ऐसे घबराने से कुछ भी नहीं होगा, दिमाग शांत रखो और लॉजिकली सोचो, कौन है जो तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, बताओ मुझे, हम उसे हैंडल कर सकते हैं। 26 की सुबह को भी इसी बारे में बात करने के लिए उसने मुझे फोन किया था, बहुत घबराया हुआ था। दीपिका, प्लीज सेटल करो इसे, मैं अब डर डर के नहीं जी सकता। हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। देखो चिराग, मैं तुम्हारी लॉयर बाद में हूँ, पहले तुम्हारी दोस्त हूँ, और दोनों ही सूरतों में तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ चिराग, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी बात तो बताओ। प्लीज सेटल करो बस, मैं अब और नहीं सह सकता। चिराग, काम डाउन, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मेरा नाम भी उछलेगा, तुम देखना दीपिका। कौन उछालेगा तुम्हारा नाम चिराग, कम से कम इतना तो बता दो। लेकिन चिराग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, किसी का नाम नहीं लिया, और मैं भी अपने कोर्ट के हियरिंग में इतनी बिजी हो गई थी कि ये बात टोटली मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। पर मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि शालिनी ने अब तक मुझे क्यों फोन करके नहीं बताया कि चिराग मिसिंग है। क्या मीटू में नाम आने से डर रहा था चिराग? उसने किसी को सेक्सुअली हैरेस किया था?
आई विश कि वो मुझे कुछ बताता, एंड आई होप कि उसने अपने आप से कुछ सेटल करने का ना सोचा हो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। आप मेरे पापा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो अब आप उन पे ही उंगली उठा रहे हैं। मेरे पापा विक्टिम है और आप उन्हें ही अक्यूज बना रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, दीपिका शानबाग चिराग की लॉयर, आई एम श्योर आप लोग उसे जानते ही हो। दीपिका ने हमें ये बात बताई। सर मुझे नहीं पता कि दीपिका ऐसा क्यों कह रही है। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। दीपिका आंटी झूठ बोल रही है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। जरूर उन्होंने कुछ किया होगा मेरे पापा के साथ। देखिए आप जिसे चाहे अक्यूज कर सकते हैं, हमारे लिए तो सारे एंगल्स ओपन है, लेकिन आपको भी हमें सच बताना होगा। चिराग काफी दिनों से डिस्टर्ब था, ये बात सबने नोटिस की। आप लोग तो उसके इतने करीब थे, आप लोगों ने ये बात कैसे मिस की? आपका ड्राइवर कल्पेश, उसने भी हमें बताया कि चिराग किसी सेटलमेंट की बात कर रहा था। दीपिका ने भी हमें यही बात बताई। आप सब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। शालिनी जी, चिराग ने आपसे कभी इस बारे में बात की थी? मानती हूँ नहीं बताया था, लेकिन ये नहीं मान सकती कि वो मीटू में फंस सकते हैं। वो ऐसे है ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बकवास है। बकवास सुनने में लग सकता है, लेकिन बिना आपके धुआं नहीं होता। चिराग को डर था, उसे डर था इस बात का कि उसका नाम उछाला जाएगा। इसका मतलब कोई तो जरूर था जिसे चिराग ने हैरेस किया था। चिराग सभी फीमेल स्टाफ के साथ काफी फ्रेंडली थे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी औरतें काम करती हैं। और किसी ने भी चिराग के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की? आप लोगों के ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए एक इंटरनल कमेटी तो है, राइट? हाँ मैम है, लेकिन अगर कोई बात होती चिराग के बारे में तो हम आपको क्यों नहीं बताते? कोई बात ही नहीं है तो कैसे बताएं? सीधा सवाल, क्या कभी भी चिराग ने किसी की तरफ किसी भी तरह का सेक्सुअल एडवांसमेंट किया था? मैम सच बात तो यह है कि चिराग, बोलो नेहा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब यह है कि चिराग थे तो सबके साथ फ्रेंडली ही, लेकिन अब जब आप पूछ ही रही हैं तो। ए स्वीटी, कितना काम करोगी? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूं। नो थैंक्स, आई थिंक मैं मैनेज कर लूंगी। ओके सी या। या बाय। सेक्सी है ममता, पक्का तुम क्लाइंट का दिल जीत लोगी। थैंक यू सर। बाय द वे नाइस स्कर्ट। सच कहूं तो मुझे कभी ऑकवर्ड नहीं लगा। अब आप लोग इतना सब कुछ कह रहे हो तो हो सकता है कि चिराग ने कभी कोई ऐसा कमेंट या रिमार्क पास किया हो जिसे अब ये सोचकर लगे कि वो बहुत अजीब या चीप था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। कल्पना, मैंने कहा ना बिना आग के धुआं नहीं होता। मुझे कहने में बहुत अजीब लग रहा है। एक दिन प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए मैं उनके केबिन में गई थी। अगर हम अपने सेल्स स्ट्रैटेजी को मार्केट रिजल्ट के साथ कंपेयर करें और एनालाइज करें कि हम अपने टारगेट से कितने पॉइंट पे पीछे हैं, तो शायद हम पहुंच सकते हैं वहां तक। व्हाट्स इट चिराग? मेरे पैर घूर रहे थे, उन्हें प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कल्पना तुम क्या जानती हो? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे सामने तो ये बातें अब उठ के आ रही हैं। नेहा, ममता, नीलम, तुम लोग पहले मेरे सामने ये मुद्दा लेकर आए ही नहीं कभी। हाँ, मैंने कभी ये मुद्दा उठाया ही नहीं। मैंने भी नहीं, और मैं अपने आप को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ। हैंडल तो किसी ने चिराग को भी किया है। कोई सेटलमेंट हुआ है, किसी तरह की कोई धमकी उसे एक्सपोज करने की, उसका नाम उछालने की, कोई तो बात तो जरूर हुई है। उसका डर यूं बेवजह तो नहीं था। सर, ये रहा आपका रिक्शा ड्राइवर शंभू, बाहर की रिक्शा भी खड़ी है। याद चिराग सानी, क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ साहब, ये आदमी आप उनके रिक्शे में बैठा था चार को अपनाके से। कोई और भी था तुम्हारे रिक्शा में पहले से, जिसने चिराग को तुम्हारे रिक्शा में बुलाया था? 100% सही साहब, एक बंदा था जो पहले से रिक्शा में बैठा था, आपने उसको महावीर नगर से बिठाया था। ठीक ठाक नॉर्मल सा बंदा था साहब, उसको ग्लास फैक्ट्री जाने का था मढ़ में। उसने पहले ही बोला था चार को अपनाके से किसी और को बिठाने का है साहब, फिर दोनों को लेकर ग्लास फैक्ट्री के बाहर छोड़ दिया साहब। ग्लास फैक्ट्री से वो दोनों कहाँ गए? अपने को क्या मालूम साहब, आप उन्हें वो लोग से पैसा लिया और मर जेट्टी की तरफ चला गया। कौन था वो आदमी जो तुम्हारे रिक्शा में बैठा था?
कुछ याद है तुम्हें? नहीं सर, ना ही मैंने उनके मुंह से किसी का नाम सुना और ना ही मैंने उनसे उनका नाम पूछा। शंभू, तू उसका हुलिया बता सकता है साहब लोगों को स्केच बनाने के लिए? अपन ट्राई मार सकता है साहब, लेकिन ठीक ठीक याद नहीं है अपने को। अभी दूसरा स्टॉप मिल गया, ग्लास फैक्ट्री। लग जाओ उस्मान, इस चिराग का फोटो हर जगह घुमा, वही तो होगा जिसने चिराग को देखा होगा। लग जाता हूँ साहब, लेकिन आपको फोन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला क्या? मतलब इस चिराग सानी को कौन बुलाया, क्यों बुलाया, तो किसी ने फोन तो किया ही होगा। कुछ नहीं मिला तभी तो बोल रहा हूँ तुझे। लास्ट बात उसने अपने लॉयर से की थी, वही दीपिका शानभाग है। जानवी बेटा, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पापा की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प? फिर पापा के बारे में पुलिस से क्यों झूठ बोल रही है आप? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें या तुम्हारी मामा को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। बेटा, मैं सच में तुम्हारे पापा की मदद करना चाहती थी। पापा वैसे थे ही नहीं, मुझे पता है आप झूठ बोल रही है। आप ही ने कुछ किया है पापा के साथ, आप ही है और कोई नहीं। मम्मा, दीपिका आंटी झूठ बोल रही है, आप भी जानते हैं पापा ऐसे नहीं है। मम्मा कुछ तो बोलो, अब आप भी इसे चुप मत हो जाओ, बताओ क्या हुआ। जानवी, मैं बैंक गई थी, पापा ने 5 लाख की एफडी तोड़वाई है मार्च में, वो भी मुझे बिना बताए बिना सलाह लिए, और 7 अलग अलग दिनों तक पैसे निकलते भी रहे, और फिर कुछ दिनों बाद 15 लाख की भी एफडी तोड़वाई, और वो भी पैसे निकलते रहे। हाँ तो पापा के ही पैसे थे ना वो, आप भी उन पे शक कर रही हो। नहीं जानवी, तुम्हारे पापा ये पैसे किसी को देने के लिए निकाल रहे थे और दे भी रहे थे, शायद उस दिन भी वो किसी को पैसे देने ही जा रहे थे। मैम, हमारे साथ टोटल 8 फीमेल एम्प्लॉयज काम करती हैं, और ये रहे उनके स्टेटमेंट। किसी पे कुछ भी लिखने या कहने का कोई दबाव नहीं था, आप खुद उनसे पूछ सकती हैं। मैम, और ये सब लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स? ऑफिस में ऐसा कोई नहीं था जो चिराग को ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि चिराग ने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं। चिराग को गायब हुए अब 7 दिन हो चुके हैं, ये किसी किडनैपिंग या फिरौती का मामला तो नहीं लगता, लेकिन सिचुएशन गंभीर ज़रूर है। मैं इनमें से सबको कॉल करती हूँ और देखती हूँ क्या निकलता है। सर, हो सकता है चिराग उस दिन किसी से पैसों के सिलसिले में ही मिलने गए होंगे। शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच, आप सामने से आकर ये बैंक स्टेटमेंट्स हमारे साथ शेयर कर रही है, शायद हमें इससे मदद मिल जाए। तो आपको लगता है कि चिराग ने किसी को पैसे दिए और किसी को देने भी वाले थे, और 26 अक्टूबर को भी वो किसी को पैसे देने के लिए गए होंगे? आपको जरा सा भी आइडिया है कि वो किसको पैसे दे रहे थे? क्या मान गई वो? मतलब पैसे लेने के बाद अपना मुंह बंद रखेगी ना? वो कहाँ है? चिराग सान, तुमने बहुत गलत किया। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, इसीलिए मैं उसकी माफी मांगने के लिए यहाँ पे आया। माफ कर दिया चिराग सिरानी। शालिनी जी, मार्च में 5 लाख रुपए विड्रॉ हुए थे, हो सकता है कि मार्च में ही कुछ हुआ होगा, जिस डेट को पैसे निकाले थे उसी के आसपास। नहीं सर, मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन लेकिन क्या शालिनी जी? मेरे ख्याल से 15 अप्रैल थी शायद। काम छोड़ने? अरे लेकिन ऐसे महीने के बीच में कैसे? आरती देख, तू ऐसे काम नहीं छोड़ सकती। हाँ ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती? मेरे को काम छोड़ना है तो मतलब छोड़ना है बस। अरे लेकिन क्यों छोड़ना है? क्या मतलब क्यों? कल से मैं नहीं आएगी, कोई और ढूंढ लो। आरती सुबह सुबह ना सिर पे बम मत फोड़ मेरे, एक दिन में किसी और को कैसे ढूंढूंगी मैं? ठीक है, आज का काम कर देती हूँ, लेकिन कल से मैं नहीं आएगी। अब आप इसे बॉम्ब समझो या रॉकेट, आपकी मर्जी। ये आरती अचानक से काम छोड़कर चली गई सर, और कोई कारण भी नहीं बताया। इस बात का चिराग के गायब होने से क्या लेना? सर मुझे नहीं पता, आपने बस पूछा तो मुझे अचानक से याद आया कि ये मार्च में तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रैल में हुआ था। इस आरती का नंबर है क्या? बात करके देखते हैं।
शालिनी के इस खुलासे के पीछे का सच क्या था? क्या ये इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा देने के लिए था या फिर गुमराह करने के लिए? क्या चल रहा था नीलम? क्या चल रहा था मतलब? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? तुम ऑफिस में चिराग के सबसे क्लोज थी, सब जानते हैं ये बात। तो क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कोई लाइन क्रॉस करने की कोशिश की थी? ओ, आपको लग रहा है कि मैं चिराग को ब्लैकमेल कर रही थी, उन्हें धमका रही थी? ऐसा था क्या? अगर ऐसा होता तो आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चिराग के साथ ऐसा कर सकती थी जैसा आपको लगता है तो आपके साथ भी कर सकती हूँ। क्यों, मेरे से क्या बात करनी है? मैंने तो उस घर का काम कब का छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा काम, यही जानना है? ये जानकर पुलिस क्या करेगी? मैंने कोई चोरी की है क्या? नहीं जानता था, छोड़ दिया काम, और क्या बताऊं? तो खुद आ रही है थाने या हम आए उठाने? ओ मैडम, ये उठाने उठाने की बात ना मेरे से मत करो, वरना मैं ही तुम उठा लूंगी, समझी? तमीज से बात करो साहब। ए, तमीज से ही पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे। और तेरी अकड़ है ना, कहीं और दिखाना। तेरी अकड़ सिर्फ तेरी सच्चाई बयां कर रही है कि तूने चिराग सहनी के साथ कुछ किया है। ए मैडम, कुछ भी है, ये टैंटन अपने पास रखो, वो साहब ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं उसका क्यों कुछ करूंगी? तुम्हारे पीछे पड़ा था? हाँ मेरे पीछे था, और एक दिन पीछे से हाथ भी डाला था। भाभी और जानवी एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए हुए थे, अकेला देखकर उसने हाथ डाला मेरे पे। 5 लाख रुपए कैसे लिए उससे, धमकी देकर? कैसी धमकी, मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। उसने हाथ डाला तो तू उसकी कीमत वसूल कर रही थी, और फिर बाद में ब्लैकमेल शुरू कर दिया। क्यों मैडम, कुछ भी बोले जा रहे हो आप? हाँ अरे झटका लगा मुझे जब उसने मेरे पे हाथ डाला। सब मेरे को इन लफड़ों में नहीं पड़ना है साहब, जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ, जब भी हुआ मर्जी से हुआ, मेरी मर्जी साहब की मर्जी। साहब कभी कभी पैसे दे देते थे, मेरे को भी फायदा हो रहा था, पैसे मिलते थे। और हाँ, मैंने 5 लाख साहब से उधार लिए थे। साहब ये सब, मुझे 5 लाख रुपए लोन देना साहब। ब्लैकमेल कर रही हो? मैं काई को ब्लैकमेल करूंगी साहब? पति साला उधार लेकर बैठा हुआ है, साहूकार से धमका रहा है। साहब 1 महीने के लिए चाहिए साहब, 1 महीने में पक्का लौटा दूंगी। साहब ने थोड़ा थोड़ा करके दिया और बोला कि भाभी को मत बताना। फिर काम क्यों छोड़ा उधर से, तुम्हें तो पैसे भी मिल रहे थे, फिर अचानक माजरा क्या था? क्योंकि साहब वो सर पे चढ़ने लग गया था, डिमांड बढ़ता जा रहा था उसका, पैसे लौटा नहीं पा रही थी ना मैं, इसलिए। मेरे 5 लाख रुपए का है, वापस लौटाने का इरादा है या नहीं, क्या बोलेगा? 1 महीने में वापस लौटा दूंगी, बोला था ना साहब। मैं कहां भाग रही, रोज यही तो आती हूँ। कल से ना मुझे बाहर मिलना, बाहर जाएंगे। क्यों बाहर क्यों? घर में तो नहीं कर सकते ना, तो बाहर। पागल हो गए क्या साहब? मेरा पति भी है, बाहर किसने देख लिया तो मेरी बात लग जाएगी। अरे मेरी छोड़ो, आप अपनी सोचो, आपकी बीवी है, जवान बेटी है, आपके लिए तो और खतरनाक है। चिराग, चिराग, ये सब नखरे बंद करना, मेरे 5 लाख में वसूल करके रहूंगा, समझी? मैं क्या करती साहब, उल्टा वो मुझको ब्लैकमेल करने लग गया था, ऐसी तैसी कर रखी थी मेरी। मेरे बेवड़े पति को पता भी चलता ना तो काट डालता मुझको, थक गई थी मैं रोज रोज के झमेले से। तो तूने उसके पैसे नहीं लौटाए? हाँ नहीं लौटाए, तो उसने भी तो अपनी औकात दिखाई ना, किया ना जो करना था मेरे साथ। और जब ये मीटू मामला शुरू हुआ तो मुझे फिर से धमकाने लग गई, और पैसे चाहिए थे क्या तुम्हें? क्या क्या शुरू हुआ? मीटू, ये क्या है? अरे ये जो चल रहा है आजकल, औरतें मर्दों के कारनामों का चिट्ठा खोल रही हैं, उनका नाम लेकर सामने आ रही हैं। क्या बात कर रही हो मैडम, मेरे को नहीं पता कि क्या शुरू हुआ है क्या चल रहा है, आप लोग इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रहे हो। चिराग सानी गायब है,
और कोई उसे धमका रहा था। हमें पूरा डाउट है कि वो तू ही थी। हे मैडम, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मेरे को बहुत सारा काम है, चार चार घर का काम है। मैं कल को धमकी दूंगी उसको। दो हफ्ते हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही है। कोई आदमी ऐसे कैसे गायब हो सकता है? सर, हो सकता है सुसाइड कर लिया हो, किसी और औरत के साथ लाइन क्रॉस की हो, डर गया हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि चिराग ने अपने लॉयर दीपिका और ड्राइवर कल्पेश से ऑलरेडी सेटलमेंट की बात कही थी, वो सुसाइड क्यों करेगा? सर, ये स्केच है, ऑटो ड्राइवर शंभू के डिस्क्रिप्शन के आधार पर बनाया गया। सर्चिंग शुरू कर दी इसके लिए, अब शायद यही आदमी हमें चिराग सानी तक ले जा सकता है। ऑटो ड्राइवर शंभू के द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन से जो स्केच बनकर तैयार हुआ था, वो ये पता लगाने के लिए काफी था कि वो आदमी कौन था जिसने चिराग को अपने साथ ऑटो में बिठाया था और चिराग के गायब होने से उसका क्या संबंध था। रियाज खान नाम है बंदे का, अभी भी इसकी कुंडली निकाल के लाया हूँ। शिवाजी नगर थाने में मिली थी कुंडली, हिस्ट्री शीटर है, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लूट, लंबा चौड़ा बायोडाटा है इसका। ये रियाज खान अभी कहाँ है? धानुकरवाड़ी के पास घर है इसका, आजकल बेल पे बाहर है। सब सब ऐसे कैसे उठा कर लेकर जा रहे हो? साहब साहब बोलो तो, किया क्या मैंने, किस मामले में उठा रहा हूँ? साहब बोलो तो। तब ये बताएंगे रियाज, अभी तक हाफ मर्डर के लिए अंदर था ना, फुल के लिए अंदर जाएगा, चलो इसे अंदर। चिराग सानी कहाँ है रियाज? अब ये तो बोलना ही मत कि तू उसे नहीं जानता, नहीं तो हड्डी तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरी, समझा? दुनिया से तौबा कर लेगा तू। साहब जानता है इसको, साकिब भाई के कहने पे मैंने उठाया था, और मैं ही लेकर गया था साहब। अबे लेकर गया तो कहाँ है आदमी, कहाँ ठिकाने लगाया उसको, लाश कहाँ है? लाश लाश तो नहीं है साहब। सारे पोस्टमार्टम करवा दूंगा तेरा, सीधे सीधे पॉइंट पे आ जा, तेरे पहलुओं के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बोल। मार्डर साकिब भाई के घर पे गले में रस्सी डाल के गला घोट दिया साहब, अब किधर मिलेगा वो, है ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने वहीं इंतजार किया ताकि बॉडी अच्छी तरह से जल जाए, फिर भाई ने भट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर दी, सब कुछ हटा दिया, कुछ नहीं रहने दिया, तो साहब बॉडी किधर से मिलेगा? फिर हमने रात को खाड़ी में डाल दिया साहब, सब कुछ बह गया रहेगा साहब, इसके आगे मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मत पूछो। तेरे को नहीं पूछो तो क्या तेरे बाप से जाके पूछो? साकिब भाई को पूछो ना साहब, साहब कॉन्ट्रैक्ट उसका था साहब, मेरे को सिर्फ 50,000 रुपये दिया था पिकअप करने के लिए, मैं सिर्फ कुरियर बॉय था साहब। और ये चिराग सानी ऐसे ही तेरे साथ आ गया? फोन पे बात हुई होंगी पहले, भाई ने बोला होगा कि तेरा पिकअप होएगा ऑटो में। साहब ये चारकोप नाका पे किसी लेडीज का मैटर था साहब। कौन लेडीज, किसके लिए? मेरे को नहीं मालूम साहब। साकिब पठान सुपारी किलर, 7 मर्डर केस हैं इस पर, ये भी बेल पर बाहर है। ये चिराग सानी इसके साथ ऐसे कैसे चला गया सेटलमेंट करने के लिए? किसी से तो बात हुई होगी, रियाज के साथ ऐसे उठकर चला गया? चिराग सानी समझ में नहीं आ रहा। इधर ही टुकड़ा गया था उसके डेड बॉडी का। तब ये इस भट्टी में हड्डियां, मांस और कपड़े जलाए थे उसके। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो तुरंत। साकिब पठान किधर है? कौन से बिल में छुपा बैठा है? बट अब जो मालूम था बोल तो दिया, अभी वो घर पे नहीं है तो मैं क्या बोलूं साहब? सर चिराग के फोन रिकॉर्ड्स में कहीं भी कोई भी ऐसा सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि वो रियाज से कैसे मिला जो कि उसे साकिब पठान तक ले गया। टेंशन, हो सकता है कि फोन पर बात ही हुई ना हो या कोई और फोन। किसी दूसरे नंबर के बारे में ना बीवी को पता है ना ऑफिस में पता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जो इस चिराग का असली चेहरा जानता होगा। फेस टू फेस बात, किसी फोन की जरूरत ही नहीं। वो नीलम शर्मा। चिराग कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। पॉसिबल है सर, शायद इसलिए उस दिन नीलम से बात होने के बाद चिराग ने इमिजिएटली अपनी लॉयर दीपिका को फोन किया था और उससे सेटलमेंट की बात कही थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ऑफिस में हुआ है, इस नीलम से दोबारा बात करनी होगी। सर अंदर आऊं क्या? आधा तो अंदर आ ही गया, पूरा ही आ जा। इस केस की तय में एक ऐसा टांका फंसा था जो एक बहुत बड़ा झटका देने वाला था और ये पुलिस के लिए भी एक शॉकर था। ये मेड आरती है ना, उसका सॉलिड पीछा किया मेरी टीम ने। तूने गलत जगह टीम को लगा दिया, आरती शायद नहीं है, इधर ऑफिस में कोई है, शायद वो नीलम शर्मा। नहीं मैडम, ऑफिस में नहीं है, ये चिराग सानी के लॉयर दीपिका को उठाइए, झोल है। दीपिका शानबाग? हाँ साहब, ये जो आरती है ना, ये वकील दीपिका मैडम के यहाँ काम करती है, वो भी पिछले 3 साल से, कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं लगता है?
जी हाँ, सच है। दीपिका ने आरती को हमारे घर भेजा था कुछ 2017 में। हमारी मेड काम छोड़कर चली गई थी, इसलिए दीपिका ने आरती से बात की थी। आप लोग दीपिका शानबाग को कब से जानते हैं? यही कुछ 3-4 सालों से। चिराग की अच्छी दोस्त भी है। मैम, क्या दीपिका ने कुछ किया है? इस दीपिका से हमने इतनी बार बात की, लेकिन उसने एक बार भी आरती का जिक्र हमारे सामने नहीं किया। और ये आरती अब भी उसके यहाँ काम कर रही है। हो ना हो, दीपिका को चिराग और आरती के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि चिराग को ब्लैकमेल करने वाली औरत आरती ही हो। दीपिका बार बार यही कह रही थी कि चिराग परेशान था और उससे सेटलमेंट की बात कर रहा था। इनके फोन रिकॉर्ड्स देखें तो दर्जनों बार बात हुई है दोनों के बीच में। और चिराग ने दीपिका को ब्लैकमेल करने वाली औरत का नाम बताया ना होगा। इज इट लॉजिकल? लॉजिकल तो नहीं है सर। 26 तारीख को जिस दिन चिराग गायब हुआ, उसकी दीपिका से बात हुई थी। और दीपिका ने हमें ये बताया कि केस सेटलमेंट करने के लिए चिराग ने उसे फोन किया था। ये वकील साहिबा झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और ही है। चिराग, जल्दी से चारकोप नाका पहुंचो। 2:45 को तुम्हें वहां से कोई पिकअप करेगा। दीपिका, आई होप ये फाइनल सेटलमेंट है। मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। फाइनल है चिराग, आज के बाद वो कभी तुम्हारा नाम नहीं लेगी। और ये बात वो रिटर्न में देने को तैयार है। तुम्हारे सामने साइन करके देगी, I promise. अब जल्दी से चारकोप नाका पहुंचो, वहां जाकर वेट करना। Once and for all settlement, okay? एक खबरे की टिप पे आप लोगों ने पूरी स्टोरी बना ली कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। यकीन मानिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इतना आसान नहीं है एक लॉयर को टच करना। टच तो अभी हमने किया नहीं है दीपिका शानबाग। टच किया ना तो वकालत तो क्या, सारा कानून भूल जाओगी। आप इस तरीके से धक्का नहीं दे सकती मुझे। अपने अधिकार में अच्छी तरह से जानती हूँ। आप सबको कोर्ट में लेकर जाऊंगी मैं। चल चल आगे चल, हमें भी अपने अधिकार अच्छी तरीके से पता है। दीपिका मैडम, ये पुलिस वाली मैडम ने बहुत उछलती हैं। बताओ क्या अभी? ये क्या है, क्या तरीका है इंस्पेक्टर? बोलो आरती, क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी? तूने तेरे दीपिका मैडम को क्या बोला वो बता। मैंने मैडम को वही बताया जो सच था, और मैं आप लोगों को भी बता चुकी हूँ, यही कि चिराग मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैडम, मैंने वो चिराग साहब का काम छोड़ दिया है, अब मैं वहां काम नहीं करूंगी। काम नहीं करोगी मतलब? क्यों, पैसे वैसे टाइम पे नहीं देते वो लोग? अरे नहीं मैडम, पैसे की बात नहीं है, वो चिराग साहब है ना, मेरे पे हाथ डाला। हाथ डाला मतलब जबरदस्ती की क्या? अरे नहीं मैडम, जबरदस्ती वगैरह नहीं की, मतलब मेरे को भी अच्छा लगा, हो गया हमारे बीच। लेकिन जब से मैंने चिराग साहब से 5 लाख लोन लिया ना, तब से अजीब अजीब बातें करता है। बोलता है यहाँ मिल, वहां मिल, ये कर वो कर, मेरे को नहीं जानता, मैंने काम छोड़ दिया। मैडम मैंने आपको यही बताया था ना, बताओ ना इन सबको। तेरे दीपिका मैडम ने तुझे ये नहीं बताया कि तेरे इस बात के बदले में इसने चिराग से 15 लाख रुपए लिए थे? झूठ है ये, मैंने चिराग से एक पैसा भी नहीं लिया। अभी रेड करवा रहे हैं आपके घर में, 100% कैश मिल जाएगा दीपिका जी। और तब तक आप ये भी बता देंगे ये पैसे क्यों लिए आपने? मैडम आपने ऐसा किया? बिल्कुल ऐसा किया तेरी मैडम ने। दीपिका शानबाग, साकिब पठान हमारी कस्टडी में, तुम्हारे सारे कानूनी दाव पेश उसने हमारे सामने उगल दिए। 3-3 बार बेल करवाया था साकिब पठान का, इसी तरह से मिली थी ना उसे, और फिर उसी का इस्तेमाल किया इस जुर्म के लिए। खड़ा करो साकिब पठान को यहाँ लाकर, फिर आमने सामने बात कर लेना। तेरी शक्ल से दिख रहा है कि तूने आरती को भी ठगा और चिराग साहनी को भी। मैडम ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग अलग जाके बात कर सकते हैं क्या आरती से अलग? क्यों, इसी के कंधे पर तो बंदूक रखकर गोली चलाई थी, अब इसी को बाहर भेज रही हो? मैडम सच बताओ, आपने पैसे लिए मेरे नाम पे? चिराग, आरती केस फाइल करने की धमकी दे रही है, मुझसे मदद मांग रही थी, क्या कहूँ मैं उसे? क्या बकवास कर रही है तुम? मैंने उसे 5 लाख रुपए उधार दिए और मुझ पर केस करना चाहती है वो, उसे तो मैं देख लूंगा। बेवकूफों वाली बात मत करो चिराग, उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उसने मुंह खोला तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या हाल होगा, तुमने सोचा है कभी? उसकी कहानी में शायद ही कोई दम ना हो, लेकिन जब तक तुम्हें क्लीन चिट मिलेगी तब तक तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। नहीं नहीं दीपिका, प्लीज प्लीज तुम उसे समझाओ, वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उसे बात करती हूँ, मैं ये मामला सेटल करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ मैंने 15 लाख लिए थे चिराग से। लेकिन मारा क्यों, तुम्हें तो पैसे मिल गए थे ना? बोलो दीपिका शानबाग, क्यों मारा उसे? चिराग बेकार में ही डर रहा था, आरती कुछ भी नहीं करना चाहती थी,
उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने उससे पैसे ले लिए और कहा कि सब कुछ सेटल हो चुका है। इस मीटू मूवमेंट से बहुत ही डर गया था वो। उसे लगता था कि आरती किसी भी वक्त उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है। नहीं दीपिका, तुम्हें मुझे आरती से दिखवा के देना होगा कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ आपसी सहमति से हुआ था। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और तुमने बोला भी था वो लिख के देगी। चिराग, मामला सेटल हो चुका है और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम खामखा में घबरा रहे हो। मेरा डर खामखा नहीं है दीपिका। तुम जानती हो इतने सारे नाम उछाले जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरे बंद कमरे में आपसी सहमति में क्या हुआ किसको पता। कल का कंसेंसुअल सेक्स आज मी टू की मूवमेंट बन के सामने आ रहा है। कितनों के करियर बर्बाद हो चुके हैं। नहीं दीपिका, मैं इस मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आरती घर काम करती है, वो जानती तक नहीं इस मी टू मूवमेंट के बारे में और वो तो कब का सब कुछ भूल चुकी है। मुझे आरती से लेटर चाहिए बस। अगर तुम बात नहीं कर सकती मैं बात करता हूँ। नहीं, तुम रहने दो। तुम बात करोगे तो मामला और बिगड़ जाएगा और वो आरती समझ जाएगी कि वो तुम्हारा किस तरह से और फायदा उठा सकती है। तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। तुम बात कर लो लेकिन मुझे आरती से लेटर चाहिए बस। कहाँ से लाती मैं वो लेटर? आरती को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और अगर चिराग घबराया हुआ आरती के पास चला जाता तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। आरती तो बड़बोली है, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ती, इसलिए मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया और मुझे ये सब करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उसे मरवाना पड़ा? उसे टुकड़े करके जलाकर दरिया में फेंक देने का तुम्हारा ही प्लान था। चिराग सानी के अवशेष को ढूंढने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया लेकिन कुछ भी मिल पाने की गुंजाइश ही नहीं थी। चिराग के ऑफिस में चिराग के डर की वजह और उसके उसकी मेड आरती के साथ संबंध के बारे में जानकर सभी हैरान थे। इस किस्से की पूरी सच्चाई जानने के बाद सबसे बड़ा सदमा चिराग की पत्नी शालिनी और उसकी बेटी जाह्नवी को लगा। आरती जो कि इस जुर्म की जड़ थी जिसकी वजह से मौत का यह खेल रचा गया, उसका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं था। साकिब पठान और रियाज खान को चिराग सानी के मर्डर के चार्ज में बुक किया गया। दीपिका शानबाग को मर्डर, फिरौती और चिराग सानी की हत्या की साजिश के लिए बुक किया गया। चिराग सानी के अवशेष अब तक नहीं मिले। इस केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर दर्ज किया गया है। दीपिका और चिराग दोनों के अतीत में दफन थे कुछ गहरे राज। दोनों अपने अपने राज से छुटकारा पाना चाहते थे और ये हुआ भी, लेकिन एक घिनौने मौत के खेल के साथ। एक कमजोर घड़ी जिसमें लिया गया एक गलत फैसला ऐसी तबाही मचाता है कि जिसे सुधार पाना नामुमकिन हो जाता है और रह जाता है बस ये अफसोस, ये मलाल कि काश उस घड़ी में मैं अपने आप पर काबू रख पाता, काश जो हुआ वो ना हुआ होता। लेकिन ये ख्याल इंसान के जहन में तब आना चाहिए जब उसके दिमाग में जुर्म की सोच पनप रही हो, ताकि वो अपने लड़खड़ा रहे कदमों को संभाल पाए और जुर्म के दलदल में गिरने से बच सके। इसलिए जरूरी है कि हर कदम भविष्य में उसके होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सोच समझ कर उठाया जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।